गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर. वेलकम टू ई कॉमर्स जोन. हम लोग चैप्टर 4 का जो पढ़ रहे थे, उसमें जहाँ तक मुझे याद है, मैंने जो साझेदारी का जो पूर्ण गठन जो चैप्टर 4 है, उस पर मैंने 4 पार्ट बना दिए हैं. एंड जो चैप्टर 3 है, गुडविल अपना, वो कंप्लीट हो चुका है. तो मैं चैप्टर 4 पे आ गई हूँ. ठीक है, उसके बाद कवर करेंगे. साथ ही साथ चैप्टर 2 भी कल से स्टार्ट कर दूँगी मैं फटाफट करने का. थोड़ा सा इशू है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो थोड़ा सा भी बोर्ड पे बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है. इवन डे में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट डोंट वरी, जस्ट अबाउट 5 to 10 days सारा कुछ ओवर हो जाएगा. वेदर भी थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, तो फटाफट एक दो दिन में स्टार्ट करेंगे 3-4 वीडियो अपलोड करने का. ठीक है, और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ई कॉमर्स जोन पर आए हैं, उनको मैं बोलूँगी आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए. बेल आइकन पर प्रेस करोगे, इट्स योर बेनिफिट दैट जो भी लेटेस्ट वीडियो होगा आपको मिल जाएगा, चाहे वो BMT का है. आई थिंक सो BMT जो अजय सर हैं, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा कंप्लीट कर दिए हैं. फ्रॉम योर जो हम लोग पढ़ते हैं ना, SBPD पब्लिकेशन से पढ़ते हैं, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो तुम्हारा कंप्लीट हो गया. साथ ही साथ चैप्टर 2 भी सर ने स्टार्ट कर दिया है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, और इधर मैंने जो है चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स का भी ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीट कर दिया है. बस उस पर बोर्ड पर कुछ काम करना है, बोर्ड पर बताना है थोड़ा बहुत ग्राफ कैसे बनाया जाता, तो वो बताऊंगी व्हाइट बोर्ड पर. ठीक है, तो बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लेटेस्ट जैसी वीडियो होगी आपको मिलते जाएगी. और प्लीज़ मैं बोलूँगी, लॉकडाउन तो मैं जानती हूँ फिर से बढ़ने वाली है, तो घर पे ईमानदारी से सच्चाई पूर्वक पढ़ाई करते रहिए. टाइम को बर्बाद नहीं करना है, बिकॉज बहुत कुछ पढ़ना है क्लास 12 में. ठीक है, सो अगर आप फर्स्ट टाइम हो आज का वीडियो में देख रहे हो फर्स्ट टाइम, तो डोंट वरी, जो चैप्टर 4 का जो 4 पार्ट है उसको आप स्टार्टिंग से देखो. मैं फिर से बता दूं, मैं डॉक्टर एस के सिंह की बुक को फॉलो कर रही हूं, लेटेस्ट एडिशन 2020 का है. अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप वहां से भी कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बट ध्यान रखिएगा कि टॉपिक आपका सेम होना चाहिए. तो जो टॉपिक हम अभी पढ़ाने जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग सीखने जा रहे हैं. जो एग्ज़ाम्पल है कवर मैंने किया था पिछले क्लास में, 1 और 2 एग्ज़ाम्पल मैंने कवर किया था, जहाँ पे हमने सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो सीखा था. तो आज भी हम लोग एग्ज़ाम्पल ही कवर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. ठीक है, आप एग्ज़ाम्पल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा सारे कोई को. यहाँ पे देखो क्या बोलता है कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. दिख रहा है आपको? या अब कहता है द पार्टनर्स नाउ डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. देखो, जब ये एक्स वाई जेड पार्टनर्स थे तो उन्होंने पहले डिसाइड किया था कि हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉसेस को बांटेंगे 3:2:1 में. फिर ये बोलते हैं बाद में कि फ्यूचर में हम, भविष्य में 2:2:1 में हम क्या करेंगे, बांटेंगे प्रॉफिट एंड लॉसेस को. ठीक है, इंडिकेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो. अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सा जो पार्टनर है, कौन पार्टनर यहाँ पर गेन कर रहा है और कौन पार्टनर यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है ड्यू टू चेंज इन रेशियो. ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. जैसा कि आप अपने बुक में देख सकते हो, यहाँ पर सोल्यूशन किया हुआ है. लेकिन मैं सजेशन हमेशा आपको यही दूंगी कि प्लीज़ आप जो है इस तरह से एग्जाम में, जैसे कि यहाँ पे ये आपका जो है वर्टिकली सॉल्व इस तरह से किया हुआ है, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है. आप इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो बट सोल्यूशन ऐसे मत करना, डोंट डू दैट. ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया है, सोल्यूशन आप वैसे करें तो ज़्यादा बेहतर होगा. आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो कि हाँ, पहले का जो पुराना जो अनुपात है वो 3/6, ये 6 यहाँ पे कैसे आया. तो मैंने बताया था कि आपको जो पुराना जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3+2+1, तो 3, 4, 5, 6, इसका टोटलिंग कितना हो गया, 6 हो गया. ठीक है, इसलिए यहाँ पे 3/6, 2/6 एंड 1/6, यानी कि x का कितना हो गया 3/6, y का हो गया 2/6 और z का हो गया 1/6. अब इनका जो नया अनुपात है वो कितना क्वेश्चन में दिया हुआ था, 2+2+1 दिया हुआ है. ठीक है, 2 + 2 = 4 हो गया, 4+1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है 2/5, 2/5 एंड 1/5.
तो पहला तो आपने इन्फॉर्मेशन देख लिया कि यहाँ पे 3/6 जो है पुराना अनुपात है, 2/6 यहाँ पुराना अनुपात है, 1/6 यहाँ पे पुराना अनुपात यानी कि ओल्ड रेशियो है, और ये 2/5, 1/5 क्या है, न्यू रेशियो यानी कि नया अनुपात है। तो सबसे मैंने पहले ही बोला कि आपको बस एक ही माइंड में फॉर्मूला रखना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी कि हम कह सकते हैं सैक्रिफाइसिंग शेयर बराबर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले एक्स का हम यहाँ पे बुक्स में जो है क्या कर दिया है कि ये एक स्मार्ट तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। एग्जाम में अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं जिसे मैं पिछले वीडियो में बताई थी वैसे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या कर दिया है कि एक्स गेन एंड स्लैश दे करके सैक्रिफाइस, मतलब कि अगर नेगेटिव में आ गया, अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा, तो मैंने पिछले ही बताया था, पिछले आंसर बताया था कि अगर नेगेटिव में है माइनस में, इसका मतलब वो गेन होगा, और जब पॉजिटिव में रहेगा तो वो क्या होगा, सैक्रिफाइस। फॉर्मूला आप एक ही अडॉप्ट करोगे, सिंपल फॉर्मूला हमको एक ही अडॉप्ट करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा सा हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, लेट मी सॉल्व इट। देखोगे यहाँ पे कैसे कैसे करना है। सबसे पहला चीज़ है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसलिए बुक को हटाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। देखो सबसे पहला चीज़ है कि मेरे पास जो ओल्ड रेशियो बराबर दिया हुआ है एक्स का, वाई का, और ये जेड का, 3/6, 2/6 और 1/6। ये आपने इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया, ठीक है। न्यू रेशियो बराबर है मेरा 2/6, 2/6 एंड 1/5, ये मेरा रेशियो है। अब आपने क्या करना है कि एक्स का अब मुझे ये तो नहीं पता यहाँ पे पहले से ही कि एक्स गेन कर रहा है कि सैक्रिफाइस कर रहा है। एग्ज़ाम में भी आपको थोड़ी मालूम है कि एक्स, आपको तो क्वेश्चन बोल दिया कि हमको ये बताओ कि कौन सा पार्टनर यहाँ पे गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो आप क्या करोगे, आप अपने दिमाग में किस घुसा लो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला का यूज़ करना है, दैट इज़, मैं यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर लिख दे रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला का यूज़ करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बस ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अब क्या करना है, एक्स जो है अब वो गेन कर रहा है कि सैक्रिफाइस कर रहा है, यू डोंट नो, आपको तो नहीं मालूम, ठीक है, आपको नहीं मालूम है, लेकिन जो आपका फॉर्मूला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, वही फॉर्मूला लगा देना यहाँ पे, ओल्ड शेयर। बेसिकली यहाँ पे मैं अगर बोलूँ CBSE पैटर्न के बेस पर, एक्चुअली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो तो CBSE पैटर्न में नहीं पढ़ेंगे, उनकी अपनी स्टेट बोर्ड होगी, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, आपका झारखंड बोर्ड हो गया, राइट। तो वहाँ पर अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखते हो तो टीचर उतना माइंड नहीं करता, क्योंकि आपके बुक्स में देखो एस के सिंह में लिखा रहता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो चलेगा। बट मैं ओपनली बोलूँ, अगर आप CBSE स्टूडेंट होते तो कभी भी मैं आपको सजेशन नहीं करती कि आप ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो लिखिए, ठीक है, बिकॉज CBSE का एक अपना पैटर्न होता है पढ़ाने का, वो रेशियो को नहीं मानता है, वो उसका मानना है कि ये शेयर है, ये जो हम लोग 3/6, 2/6, 1/6 जो बोलते हैं, दिस इज शेयर, इट्स नॉट अ रेशियो। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको ना जब व्हाइट बोर्ड पर बताऊंगी तो वहां अच्छे से क्लियर होगा क्यों हम लोग रेशियो नहीं लिखेंगे और क्यों हम लोग को शेयर लिखना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, अगर आप जैक बोर्ड भी स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, यूपी बोर्ड या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर आप शेयर भी लिखते हो तो नोबडी इज गोइंग टू कट, कोई आपका मार्क्स कट करने नहीं जा रहा है, सो डोंट वरी, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करूँगी, सो दिखेगा आपको अच्छे से पूरा पूरी। चलो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर हो गया, तो मेरा ओल्ड शेयर कितना है 3/6 माइनस न्यू शेयर कितना है मेरा यहाँ पर 2/6
अच्छा यहाँ पे 5 होगा, सॉरी यहाँ पर ये 5 है, ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पे जो आपका न्यू रेशियो में लिखी थी ना, वो आपका 2/5, 2/5 एंड 1/5 है, तो आपका कितना होगा 3/6 माइनस 2/5। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम देंगे। मैंने बताया था पिछले क्लास में एलसीएम देने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे 6 और 5 का देंगे, 2 3 ज़ा, फिर 3 1 ज़ा, 5 1 ज़ा, ठीक है। तो क्या आएगा, 5 15, 15 2 ज़ा 30 आ गया, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मैं रफ़ काम कर दे रही हूँ, एग्ज़ाम में ऐसे मत करना आप, रफली जहाँ पे करना होगा या पेजेस आपको दिए रहेंगे बैक पोर्शन में तो वहाँ पे करोगे, या फिर यहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपना जो स्केल है खींच लीजिएगा, लाइन बना लेना, ठीक है, वहाँ पे काम कर सकते हो। वहाँ पे लिख देना कि ROUGH रफ वर्क, क्योंकि सब रफ ही वर्क में आएगा, सब वर्किंग नोट में नहीं बोलते इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप करोगे, जो 6 है डिनोमिनेटर में, जो आपका ये अंश हो गया, ये क्या हो गया, हर हो गया, इस 6 को आप इस 30 से क्या करोगे, भागा दोगे। 6 पर जा क्या होगा, 30 कितना आया, 5 आया ना, तो 3 × 5 होगा, ठीक है। फिर इसके बाद फिर इस 5 को 30 से भागा देंगे, 5 6 ज़ा 30 हो गया। इतना मैं इसलिए कर रही हूँ, कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, बट जो बच्चे को ये सब मालूम होगा तो ये तो आपको करने की कोई ज़रूरत भी नहीं, डायरेक्टली आप काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसलिए कर रही हूँ, कुछ बच्चे बहुत ही कमज़ोर होते हैं, उनके लिए कि उनको मालूम होना चाहिए कि कैसे यहाँ पर 5 आ रहा है और कैसे यहाँ पर 6 आ रहा है, 2 6 ज़ा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हमारा आया, 3 5 ज़ा 15 माइनस 6 2 ज़ा 12 30। आप देखो यहाँ पे 15 − 12 कितना होगा, 15 − 12 कितना होगा, 3/30। काटना छाटना कुछ नहीं है, कुछ नहीं काटोगे अभी, जैसा है वैसे रहने दो। अब ये प्लस में आया है, इसका मतलब x जो है यहाँ पे, जो x है वो क्या कर रहा है, x यहाँ पे सैक्रीफाइस कर रहा है, x यहाँ पे क्या कर रहा है, सैक्रीफाइस कर रहा। तो आप ब्रैकेट में यहाँ लिख दीजिएगा एग्जाम में कि सैक्रीफाइस कर रहा या हिंदी में त्याग कर रहा है, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब y का निकालते हैं, y का गेन और सैक्रीफाइस, हम फिर से ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर ही करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर मेरा कितना है 2/6 और न्यू शेयर कितना है 2/5, फटाफट 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30 आ गया मेरा, 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12, 30 मेरा कितना आ गया, माइनस यहाँ पर 2/30 आ गया। आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या आ रहा है, −2/30 आ रहा है ना। तो आप इसको लिखोगे कैसे, कैसे लिखोगे, बस यहाँ पे माइनस जो है, यहाँ पे माइनस को ब्रैकेट में कर देना और यहाँ पे 2/30 लिख कर और यहाँ पे लिखोगे गेन, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है जो माइनस में आएगा वो क्या है, गेन। अब आप क्योंकि एग्ज़ाम में हो चाहे एक नॉर्मली, मैं भी, मुझे जब तक मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगी तो बिना कैलकुलेशन किए मैं कैसे जानूँगी कि x गेन कर रहा है कि सैक्रीफाइस कर रहा है या फिर y गेन कर रहा है सैक्रीफाइस कर रहा है। तो बेहतर हम एक ही फॉर्मूला पे काम करें और एक ही सेटअप कर ले दिमाग में कि अगर माइनस आता है तो वो गेन हो जाएगा और प्लस में है तो वो क्या होगा, सैक्रीफाइस होगा, ठीक है, सिंपल। अब उसके बाद एक्स वाई हो गया, अब जेड के पास आते हैं, जेड का गेन और सैक्रीफाइस, इसको मैं डायरेक्टली कर दे रही हूँ बिकॉज जगह नहीं है नीचे, फटाफट कर दे रही हूँ। यहाँ पे तुम्हारा कितना है, यहाँ पे 1/6 माइनस 1/5 30, ठीक, 6 5 ज़ा 30, 5 6 ज़ा, एंड यू आर गेटिंग −1/30, −1/30, हाउ विल यू रिप्रेजेंट दिस, ब्रैकेट में माइनस को करिए, 1/30 आपका ये जो क्या हो गया, गेन हो गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे y और z दोनों के दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, और सैक्रीफाइस कौन कर रहा है यहाँ पर,
सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? एक्स कर रहा है। तो यही चीज़ आपके यहाँ पे बुक में दिया हुआ है। अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर रही हूँ, ठीक है। अब अपने ये पर देखोगे, बुक में देखोगे, बुक में डायरेक्टली यहाँ पे सोल्यूशन कर दिया है कि x बराबर 3/30 सेक्रीफाइस है, y बराबर क्या है 2/30 गेन है, और z बराबर क्या है 1/30 यहाँ पर गेन है। और लास्ट में लिख दिया कि इस प्रकार x का त्याग सेक्रीफाइस जो है, सेक्रीफाइस कितना कर रहा है x 3/30 कर रहा है, y की प्राप्ति यानी कि गेन कितना कर रहा है 2/30, और z की प्राप्ति गेन कितना हो रहा है 1/30 हो रहा है। और एक नोट करके यहाँ पे एक लाइन दी हुई, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि प्राप्ति यानी कि क्या, गेन अनुपात का योग सदैव ही त्याग अनुपात के बराबर होता है। कैसे होता है देखो, मैं इसको भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे छोटा सा जगह है, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे इस बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर जो है मैं दिखाती हूँ, हमारा जो है वाई का जो गेन था वो कितना था, मैं नेगेटिव नहीं लिखूँगी, यहाँ पे 2/30 था ना, और जेड का कितना गेन था, कितना था 1/30 था ना, और सेक्रीफाइस कितना किया था एक्स ने, 3/30 किया था ना। अब देखो यहाँ पे 2/30 को हम जोड़ेंगे 1/30 से, तो कॉमन तो 30-30 है, 2+1 कितना हो जाएगा 3/30। तो ये जो 3/30 आ रहा है ये क्या है, सेक्रीफाइस के बराबर हो गया। इसी चीज़ को यहाँ पे नोट में बोला जा रहा है कि जो गेन रेशियो का जो योग होगा वो सदैव ही त्याग अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। सो आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं नेक्स्ट और एग्जांपल डिस्कस करूँगी, बिकॉज ये वीडियो भी बहुत देख रही हूँ लंबी हो रही है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो आप प्लीज़ देखिएगा, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जितना ज़्यादा हो सके हमारी वीडियो को शेयर करिए, एंड वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए।